हेलो दोस्तों, आज हमारा हरिद्वार में दूसरा दिन और हम लोग अभी हैं माता चंडी देवी के ट्रैक में। तो हरिद्वार में दोस्तों हम लोगों ने एक जो रूम लिया था वो डिसेंट ही रूम मिला था आप लोगों को। रूम का वो जो ओनर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको हम इसमें दे देंगे अपने बायो में। और आप लोगों को अगर आना हो यहाँ पर तो हम लोगों को 800 का एक नाइट का स्टे मिला था, आप लोगों को भी मिल सकता है। आप लोग हम लोगों का नाम बताएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्काउंट जरूर दे दें। और अभी हम लोग हैं दोस्तों माता चंडी देवी ट्रैक में जो कि 8 किलोमीटर लंबा है और हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे गंगा माता में हम लोगों ने जब स्नान किया था तो इतना शीतल जल था कि हम लोगों को जुकाम हो चुका है और आवाज़ आप सब जान ही रहे बैठ गई है। अब फिलहाल हम लोग चल रहे हैं चंडी देवी, आप लोगों को माता चंडी देवी के दर्शन कराते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं ट्रैक। दोस्तों एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर और अभी से पैरों में दर्द होने लगा है जबकि हम लोगों ने 500 मीटर भी नहीं चले होंगे। देखते हैं कैसे 8 किलोमीटर में क्या हाल होता है सबका। ये शॉर्टकट लेने का विचार में भाई, शॉर्टकट महंगा पड़ता है कभी कभी। हाँ वो देख सकते हैं, इन्होंने शॉर्टकट का प्लान बनाया था। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर और शॉर्टकट लेने का भूल ना करें। जय हो माता चंडी देवी की। तो दोस्तों चंडी देवी माता धाम पहुंच चुके हैं हम लोग, चलिए जय जय। सभी भक्तों से अनुरोध है कि लाइन से दर्शन करें, दूरी बनाकर रखें, अपने मोबाइल और पर्सनल ध्यान रखें, बच्चों का हाथ पकड़ के रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। फूल प्रसाद इधर उधर न फेंकें, साफ सफाई का इधर 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 इधर
तो दोस्तों अभी हम लोग माता चंडी देवी के ट्रैक पे और हम लोग नीचे उतर रहे हैं। हमें रास्ते में ही 500 मीटर की करीब मंदिर से एक दोस्त मिल गया था जो कि लखनऊ से था, यूपी से। तो उसने हम लोगों को प्रसाद के लिए बोला, हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और फिलहाल अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं चंडी देवी से। और